नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री राधा रमन बिहारी मंदिर इस्कॉन मंदिर सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिर प्रांगण में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है। श्री राधा रमन बिहारी मंदिर अध्यक्ष अपरिमेय श्याम दास जी ने सी न्यूज भारत से बात करते हुए भक्तों से अपील की है कि वह केवल कृष्ण जन्माष्टमी को ही नहीं बल्कि अन्य दिनों में भी प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन के लिए इस्कॉन मंदिर आएं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि प्रत्येक रविवार को गीता का एक श्लोक का अध्याय होता है जिसमें ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुशांत गोल्फ सिटी थाने के पुलिसकर्मी एवं इस्कॉन मंदिर के कर्मचारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाते नजर आए। तो सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करता हूं और सी न्यूज के दर्शकों को आज मैं इस्कॉन टेंपल लखनऊ अंसल में जो सुशांत गोल्फ सिटी में मौजूद है यहां पे हम लोग आए हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि जन्माष्टमी का महापर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। दो दिन पहले ही यहाँ के अध्यक्ष जो थे अपरिमेय दास जी ने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि यहाँ की जो प्रस्तुति होगी, यहाँ का जो शुभारंभ होगा वो काफ़ी विख्यात होगा, काफ़ी प्रसिद्धि होगी। यहाँ पे काफ़ी मेहमान भी आएंगे। जो शाम के 5 बजे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसके लिए यहाँ पे चीफ गेस्ट भी आ रहे हैं और यहाँ पे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे वो हैं माननीय अवस्थी जी जो पद्म श्री सम्मानित हैं। आज वो शाम को 5 बजे यहाँ पे अपनी प्रस्तुति दिखाएंगे। मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि यहाँ के जो गेट हैं यहाँ पे गेट पे दिखाएं। दर्शकों का तांता लगा हुआ है और जो दर्शक हैं यहाँ पे सुबह से ही भीड़ लगा के खड़े हुए हैं और यहाँ पे दर्शकों को दर्शनार्थी जो यहाँ पे हैं कान्हा जी के दर्शन के लिए काफ़ी उत्सुक हैं कि वो कान्हा जी का दर्शन कर सकें। मैं इस गेट से जो ये गेट नंबर 1 है, वैसे यहाँ से एंट्री नहीं हो रही है, एंट्री गेट नंबर 2 से हो रही है दर्शकों के लिए, लेकिन सी न्यूज़ के भारत के दर्शकों को बताते हैं कि कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो दर्शकों को यहाँ पे दर्शन करने जो भी आ रहे हैं। गेट नंबर 2 से एंट्री हो रही है और यहाँ से 100 मीटर पहले से गाड़ियाँ लग जा रही हैं और वहाँ से लोग पैदल आके यहाँ पे दर्शन करने आ रहे हैं। ये गेट नंबर 1 है, यहाँ से एग्जिट पॉइंट है, यहाँ से दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बाहर निकलेंगे, दर्शन करके बाहर निकलते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ है, काफ़ी लोग यहाँ पे दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं। मैं यहाँ पे कुछ लोगों से बात भी करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पे जो कान्हा जी को सजाया गया है काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं हमारे कान्हा जी यहाँ पे। और अपरिमेय दास जी जो यहाँ के अध्यक्ष वो बता रहे थे कि कान्हा जी को जो सजाया जाएगा काफ़ी अच्छी तरह से सजाया जाएगा यहाँ पे और उनके साथ यहाँ पे जितने भी गौ सेवा होती हैं गौ सेवा का भी देखा जाएगा तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से सजाया गया है। मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि यहाँ पे जो दर्शन करके यहाँ से बाहर निकल रहे हैं उनसे बात भी करेंगे कि कैसा उनको लगा यहाँ पे मंदिर में आके। भाई आप लोग यहाँ पे दर्शन करके आ गए हैं यहाँ पे, तो आप बताएंगे कैसा था मंदिर के अंदर, क्या चल रहा था? मंदिर हम लोगों को बहुत अच्छा लगा है और आके थोड़ा मतलब सही लगा है यहाँ पर। कितने बजे यहाँ पे आए थे दर्शन के लिए? अभी हम लोगों को आधे घंटे हो गए, दर्शन हो गया आराम से, दर्शन हो गए, दर्शन करके अब थोड़ा मतलब सुकून जैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है हम लोगों को। कहाँ से आए हैं भाई? हम लोग आए मोलालगंज से। तो अंदर की सजावट कान्हा जी और यहाँ की व्यवस्था कैसी रही? वो सब बढ़िया है, अंदर एकदम सही है। देखिए कुछ लोग यहाँ पे बाहर दर्शन करके निकले भी थे, व्यवस्थाएं देखें तो यहाँ पे सुशांत गोल्फ सिटी थाने से ये अंदर आता है, यहाँ पे पुलिस भी लगी हुई है, यहाँ पे जो इस्कॉन टेंपल के जो यहाँ के लोग हैं वो भी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं कि किसी तरह की दुविधा दर्शनार्थियों को ना हो। और मैं अभी धीरे धीरे बात भी करूँगा यहाँ पे लोगों से, बात भी करके वहाँ पे देखूँगा कितने लोग यहाँ पे बाहर निकल रहे हैं दर्शन करके और उनसे पूछूँगा कि किस तरह का दर्शन हुआ, उनकी व्यवस्थाएँ कैसी रहीं। देखिए यहाँ पे व्हील चेयर की भी व्यवस्था है, व्हील चेयर भी आ रहे हैं यहाँ पे, किसी तरह की किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं किसी तरह की भीड़ भाड़ जो कहते हैं लाइन से लोग आ रहे हैं दर्शन कर रहे हैं और फिर दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं। आप यहाँ पे दर्शन करने आई हैं, आपको कोई व्यवस्थाओं में दिक्कत हुई? नहीं नहीं, कोई व्यवस्था में, बहुत अच्छा व्यवस्था है यहाँ पर, मेरा व्हील चेयर भी अंदर आ गया, आई एम वेरी हैप्पी। देखा जाए तो गेट नंबर 1 है, यहाँ से एग्जिट पॉइंट है, बट
यहाँ पे बुजुर्गों को जो असहाय हैं दर्शन करने में लाइन में खड़े होने में, तो उनको यहाँ से एंट्री मिल जा रही, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, थैंक यू सो मच। जन्माष्टमी पे आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत बस सब लोग अच्छा से इंजॉय करें, मनाएं, वही बहुत बड़ी बात है। चलिए देखिए, यहाँ पे व्हील चेयर पर दर्शन करने जा रहे हैं, ये प्रभु की कृपा होती है, ये कान्हा जी की कृपा होती है कि जो लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, और चाहे वो व्हील चेयर हो चाहे बुजुर्ग हो, यहाँ पे गेट नंबर एक से ही एंट्री मिल जाती है। मेरे साथ हैं मंदिर के इस्कॉन टेम्पल के अध्यक्ष जी अप्रमेय दास जी। सर, आज भक्तों का तांता लगा हुआ है, व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी हैं, आज के दिन आप क्या स्पेशली कुछ बोलेंगे? हम आज के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की पहले तो सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आप सबसे निवेदन करता हूँ, कृपया सनातन धर्मी जागो, सनातन धर्म के प्रति अपनी जिज्ञासाओं को पूरा करो। केवल एक दिन के उत्सव मत बनाओ, एक दिन जन्माष्टमी मत बनाओ, रोज़ गीता को पढ़ो, रोज़ मंदिर आओ। हमारी परंपरा है कि रोज़ मंदिर जाने की, रोज़ न जा सको तो हफ्ते में जाओ, हफ्ते न जा सको तो महीने में जाओ, हालांकि साल में भी आओ तब भी अच्छा है, बहुत से लोग तो साल में भी नहीं आते हैं। तो मेरा निवेदन है, आप सब आइए, भगवान का दर्शन लीजिए, प्रसाद लीजिए, और यहाँ 250 से 300 सेवादार हैं जो कि विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी सेवाओं को कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि सब अपनी अपनी सेवाओं में लगे हुए हैं, और आप सबका स्वागत करने के लिए आपको विभिन्न प्रकार की भगवान का ज्ञान और प्रसाद और सेवा समर्पित करने के लिए वो तैयार हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, आप आइए, और बहुत से लोग आ चुके हैं, और आप सब आइए, दर्शन लीजिए, प्रसाद लीजिए, भगवान की कृपा पात्र बनिए। रविवार को, हर रविवार को आप क्लास लेते हैं ऑनलाइन माध्यम से, तो उसमें कितने भक्तगण जुड़ जाते हैं, आपको लगता है कि वो एक सही प्रथा होगी आगे चलाने के लिए, भक्तों को जोड़ने के लिए? निश्चित रूप से, हम हर रविवार को गीता की एक एक श्लोक सिखा रहे हैं, क्योंकि हमने अभी लगभग 8-9 साल में यहाँ घर घर 2.5 लाख घरों में गीता पहुँचाई है, और हमारा ये प्रयास है कि उनको गीता का ज्ञान भी मिले, वो गीता को पढ़ें भी, तो इसलिए हमने एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपरमेय श्यामदास इस्कॉन लखनऊ, उस पर इस्कॉन लखनऊ पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोग गीता को समझें, एक एक श्लोक सिखा रहे हैं, तो आप ऑनलाइन माध्यम से उसका लाभ ले सकते हैं घर में बैठ करके। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में क्रांति लाए, पूरी दुनिया में आप देखो, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, कौन सा ऐसा देश है जहाँ आज लोग गीता का लाभ नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम भारतीय, हम उत्तर प्रदेश के वासी विशेष भाग्यशाली हैं कि राम और कृष्ण दोनों उत्तर प्रदेश की धराधाम पर इसी क्षेत्र में आए हैं, तो हम सब लोग लाभ लें और गीता की शिक्षा लें। तो मैं एक एक श्लोक सिखा रहा हूँ, आप ऑनलाइन माध्यम से आइए और एक एक सीखिए, नोट्स बनाइए, मंदिर आइए, मंदिर में भी सत्संग हो रहे हैं, उनका लाभ लीजिए। मंदिर आने का मतलब है ज्ञान लेना, हॉस्पिटल जाने का मतलब है इलाज लेना, विद्यालय जाने का मतलब विद्या लेना, अगर विद्यालय गए विद्या नहीं ली, हॉस्पिटल गए इलाज नहीं लिया, और मंदिर गए और आध्यात्मिक शिक्षा नहीं ली, तो फिर मंदिर आने का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अप्रमेय दास जी। हमारे साथ थे इस्कॉन टेम्पल के अप्रमेय दास जी, जो यहाँ के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने बताया कि हर रविवार को यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से भक्तों को जोड़ा जाता है, गीता का उपदेश दिया जाता है, हर एक श्लोक हर एक रविवार को सुनाया जाता है। देखा जा सकता है कि भीड़ काफ़ी है, अप्रमेय दास जी यहाँ पे आए हैं, और वो यहाँ से आज हो सकता है कि मध्याह्न आरती का शुरुआत करेंगे। भक्तों का तांता लगा हुआ है, भक्तों की भीड़ है, मैं और भी भक्तों से बात कराने की कोशिश करूँगा, सीनीज को दर्शकों को ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये भक्त जो है सुबह से लेकर अभी तक भीड़ में खड़े हैं, और वह दर्शन करने के लिए, लड्डू गोपाल का दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। जन्माष्टमी का त्यौहार, अभी आपको मैंने अपरमेय दास अध्यक्ष जी से बात करवाया था, और अभी हमारे साथ कुछ यहाँ पे दर्शन करके बाहर निकले कुछ परिवार, यहाँ पे हमारे साथ तीन परिवार बाहर निकला हुआ है, और कान्हा जी का जन्मदिन, जन्माष्टमी और बच्चे ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं जो अभी दर्शन करके निकले हैं, मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा कि ये क्या बोल रहे हैं, इनको क्या पता है कान्हा जी के बारे में, दर्शन करने कब आएँ। आप पहले अपना नाम बताइए बेटा। तरुण गुप्ता। आपका नाम? श्रद्धा पाठक। आपका नाम? रघुवीर सिंह। आप लोगों ने कान्हा जी का दर्शन किया सब लोगों ने? क्या क्या दर्शन किया, कहाँ पे किया दर्शन? मैंने करा था। घर पे किया? घर में। और मंदिर में किया? हाँ। और कहाँ दर्शन किया? मंदिर में। कान्हा जी के बारे में कुछ पता है आप लोगों को, जन्माष्टमी क्यों मना रहे हैं, कुछ पता है, कुछ श्लोक पता है? श्लोक आप तीनों लोग मिलकर बताइए, जल्दी से बताओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वेरी गुड, आपको कुछ पता है? हाँ। बताइए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ आप भी बोल दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम बच्चे हैं, उत्साह ज़्यादा है, जन्माष्टमी है, ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ बच्चे ना आए। कोई राधा के रूप में आए हैं तो कोई कान्हा जी के रूप में आए हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ परिवार भी हैं जो यहाँ परिवार दर्शन करके निकले हैं, इनसे ही पूछें। कुछ कान्हा जी बन के आए हैं बच्चे, कुछ देखिए ये छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, ये भी लोग कान्हा बन के आए हैं। आप लोगों ने दर्शन किया? जी जी, दर्शन हो गए, बहुत अच्छे से हुए। लाइन खैर बहुत लंबी थी, फिर भी दर्शन बहुत अच्छे से हुए। आप बताइए। जी, दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। बच्चे कान्हा जी बन के आए हैं, आज कुछ स्पेशल था ना? जी, जन्माष्टमी। आप यहाँ पे दर्शन कैसा हुआ आपका? बहुत ही अच्छा हुआ है, बहुत ही आज मन खुश हो गया है यहाँ दर्शन करके। दर्शनों का दौर जारी है, दर्शालु सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे आते रहेंगे, दर्शन करते रहेंगे। और परमय दास जी ने जो बताया था कि सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम के 5 बजे होगा, माल्य अवस्थी भी आएंगी, तो यहाँ पे भीड़ की संभावना और ज्यादा है। उत्तर प्रदेश सरकार से हो सकता है कोई कैबिनेट मिनिस्टर भी आते हैं। सो कैमरामैन अपूर्व के साथ सुमित श्रीवास्तव, सी न्यूज भारत, लखनऊ। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।